पढ़ेंगे और अब बात करेंगे बंगाल बमबारी और बवाल की। आज टीएमसी के राज में जगह जगह बम बनाने की होम इंडस्ट्री चल रही है। घर के ऊपर अटैक करने का मतलब क्या हुआ? इट्स ए प्लानिंग, और ये प्लानिंग में पुलिस पूरा रूप से शामिल था। ये तैयारी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता अब बचने के लिए लड़ना होगा। सीधी बात, एक एक्स एमपी अगर सेफ नहीं है तो इस बंगाल में कौन सेफ है? चलिए सबसे पहले ऐसा करते हैं, आपको ना तस्वीरें दिखाते हैं, दिखाइए तस्वीरें। इन तस्वीरों को देखकर हो सकता है आपको लगे, फुल स्क्रीन पर दिखाइए, और ये तस्वीरें देखकर इसमें ब्लास्ट, ये देखिए आप, देखिए आप तस्वीरें देखिए पहले। पंद्रह बम मारे गए हैं, पंद्रह बताया जा रहा है कि बम मारे गए हैं, गोलीबारी हुई है, सब कुछ। अब क्योंकि ये तस्वीरों पर लिखा हुआ है अर्जुन सिंह के घर पर बम्स फेंके गए बीजेपी नेता, अगर ये नहीं लिखा होता तो शायद पता नहीं आपको लगता कि किसी युद्ध क्षेत्र की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम लोग आपको। बमबारी मतलब बमबारी हो रही है, गोलियाँ चल रही हैं, और आपने वो सुनी भी बमबारी, तो ये कोई युद्ध क्षेत्र बांग्लादेश बैरूत ऐसा कुछ नहीं साहब, ये अपने देश की तस्वीरें हैं। आप हैरान हो जाएंगे, ये तस्वीरें बंगाल, माँ माटी मानुष का नारा देने वाली ममता बनर्जी के बंगाल की है, हमारे आपके बंगाल की है। और इन तस्वीरों को देखकर वाकई लगेगा कि बमबाजों ने इस नारे को बदलकर बम बवाल और बंगाल कर दिया है। साहब बुरा हाल, इसी बंगाल को लेकर ना यादव का कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि एक वक्त था साहब जब बंगाल में एक से बढ़कर एक वैज्ञानिक निकलते थे, लेकिन अब बंगाल में जगह जगह बम बनाने की फैक्ट्री मिलती है, बम वैज्ञानिक मिलते हैं। पीएम मोदी की इसी बात को बंगाल के कुछ बमबाजों ने सही साबित कर दी है, तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर हैं। आज पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की जो तस्वीर दिखी, शायद इस तरह की बमबाजी इससे पहले शायद उस तरह से नहीं। आज क्या हुआ, बीजेपी के सरेआम बीजेपी के एक नेता पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के घर पर अटैक हुआ, बम गोलियों से हमला हुआ। सोचिए जिस राज्य में पूर्व सांसद सुरक्षित नहीं है, वहां आम आदमी की सुरक्षा का क्या होगा। आज सुबह करीब 8:30 बजे पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में, देख रहे हैं आप तस्वीरें, ये मैं नहीं बताता नहीं बीजेपी नेता, आपको लगता है किसी युद्ध क्षेत्र की तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं। आज सुबह सुबह 8:30 बजे पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के घर पर हमला हो गया। जिस वक्त यह हमला किया गया अर्जुन सिंह घर पर ही थे। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने, ऐसा अर्जुन सिंह ने बताया, कि हमलावरों ने एक के बाद एक 15 बम फेंके, गोलियां चलाई। भीड़ देखिए आप सड़कों पर, तस्वीरें दिखाते हैं। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने भी आरोप लगाया है कि हमला पूरी प्लानिंग के साथ किया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल की पुलिस भी शामिल थी। उनका कहना है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी प्रदेश में कमजोर हो गई है, इसलिए लोगों में डर पैदा करने के लिए इस तरह का हमला कराया गया। पहले एक बार तस्वीरें दोबारा से दिखाइए, फिर राजनीतिक क्या बयान आए, किसने क्या कहा, अर्जुन सिंह ने क्या कहा, वो जानना बहुत जरूरी है। देखिए आप तस्वीरें, आप
अब अर्जुन सिंह का आरोप है साहब कि हमला टीएमसी के नेता के बेटे नमित सिंह ने 10 से 15 लोगों के साथ मिलकर किया। वो इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं सत्ताधारी दल टीएमसी के नेता के बेटे, जिसमें उन्होंने बताया कि करीब 15 देसी बम उनके घर पर मारे गए, कई राउंड गोलियां चलाई गई, जिसमें एक गोली का छर्रा अर्जुन सिंह के पैर में भी लगा है। सुनिए, हमारे घर पर अटैक होता है, बम चलता है, गोली चलता है, उतरने के बाद मुझे भी पैर में स्प्लिंटर लगा है बम का, तो ये क्लियर है कि इट्स प्लानिंग, ये प्लान करके किया जा रहा है। तृणमूल पूरे बंगाल में ख़त्म हो रही है, तो अपने जमीन के तलाश में इस तरह से भय दिखाकर लोगों को डराने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें बीजेपी नेता अर्जुन सिंह पर इस तरह के जानलेवा हमले को लेकर भी सियासत हो रही है, क्योंकि हर कोई भर्त्सना करे कि कैसे हुआ। वैसे आपको बता दें बीजेपी नेता अमित मालविया ने सोशल मीडिया पोस्ट करके आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल राजनीतिक हत्याओं और हिंसा की खान बन गया है। ममता बनर्जी प्रदेश की सीएम के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं और वो इसे राजनीतिक संरक्षण देती हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने भी सवाल उठाया कि अगर एक पूर्व सांसद पश्चिम बंगाल में सुरक्षित नहीं है तो फिर आम लोगों का क्या, कौन सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि वो इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात करेंगे। सुकांत मजूमदार सुनिए। एक एक्स एमपी अगर सेफ नहीं है तो इस बंगाल में कौन सेफ है? मुझे लगता है कि ये पूरी तहकीकात होनी चाहिए। हम केंद्र सरकार से भी बात करेंगे इस विषय में और माननीय गृह मंत्री जी के ध्यान में भी ये विषय आएगा। इसके साथ टीएमसी का कोई संपर्क नहीं है, ये पॉलिटिकल मैटर नहीं है, और अर्जुन सिंह जी किस तरह पॉलिटिक्स करते हैं ये सब लोग जानते हैं, ये उनका लोकल प्रॉब्लम्स है। आगे बढ़ेंगे।